गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने वो भी जेन्युइन तरीके से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है गेट इंस्टा की। आप लिंक पर क्लिक कर उनकी वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद आपको इनका ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ सिंपल टास्क मिलते हैं, जैसे लाइक करके और फॉलो करके आप कॉइन्स जमा कर सकते हो। फिर आप उसी कॉइन से फॉलोअर्स और लाइक्स ले सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे 18,000 कॉइन्स पर 10 फॉलोअर्स और 10 लाइक्स मिलेंगे और 2,700 कॉइन्स आपको 100 लाइक्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप फॉलोअर्स और लाइक्स ले सकते हो। तो मैंने 18,000 कॉइन्स यूज करके एक टास्क डाला है, वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो इतनी जल्दी मेरे लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ गए। और मैं बता दूं कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है, टेंशन मत लो, कोई रिस्क नहीं है। तो फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे ये ऐप को डाउनलोड कर लो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम आ चुके हैं हमारी प्यारी सी सर्वाइवल वाली वर्ल्ड में। और गाइस पिछले एपिसोड में हमारे विलेज पर हो चुकी थी रेड, और रेड में हम जीत तो गए थे पर हमारा जो आयरन का आर्मर है वो बहुत गंदा डैमेज हो चुका था। और एक तो हमारे पास आयरन भी नहीं इतना कि हम पूरा आर्मर बना पाए। बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक हमने डायमंड का आर्मर भी नहीं बनाया, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम आयरन का नहीं बल्कि डायमंड का आर्मर बनाएंगे। गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको अपने वर्ल्ड में बहुत सारे डायमंड्स मिले तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। ओके, तो अभी मेरे पास 16 डायमंड्स है और मुझे सोचने दो आर्मर के लिए कितना लगेगा। अच्छा हाँ, हेलमेट के लिए 5 डायमंड्स, चेस्ट प्लेट के लिए 8 डायमंड्स और लेगिंग्स के लिए 7 डायमंड्स और बूट्स के लिए 4 डायमंड्स। इसका मतलब मुझे लगेंगे 24 डायमंड्स, और अभी मेरे पास 16 डायमंड्स है इसलिए मुझे खाली 8 डायमंड्स चाहिए 24 डायमंड्स के लिए। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हम डायमंड्स कौन से पिकैक्स से माइन करते हैं। ये अरिंग भाई, ये वाली नहीं, इस पे सिल्क टच है, हम इससे अपनी फॉर्चून वाले से माइन करते हैं। क्योंकि इस पिकैक्स से हमें एक डायमंड और तोड़ के हमें 3 या 4 डायमंड्स मिल सकते हैं, और ये पिकैक्स हमारे लिए लकी भी है। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं माइनिंग पर एक चीज का खतरा है, वो है कि मैं लावा में ना गिर जाऊं। और गाइज हम डायमंड के साथ आयरन भी माइन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आयरन की भी कमी है। तो गाइज अभी भाई इस तरफ गए तो मैं भाई की पूरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और चलो अभी हम माइनिंग करके देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। ओके, तो मुझे गोल्ड मिला है। गाइज मैं गोल्ड को भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि हमारे पास गोल्ड की भी थोड़ी बहुत कमी है और गोल्ड हमें बाद में काम भी आ सकता है। गाइज मैं ना अभी यहाँ पर माइन नहीं करूंगा, अगर मैं थोड़ा और आगे चले जाऊंगा तो पूरा सिया आ जाएगा, इसलिए मैं इस तरफ पे माइन कर लेता हूँ। गाइज जहाँ पे भी मैं माइनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ना वहाँ से पानी निकल रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इधर जाकर माइन करता हूँ। ओके, तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ एक छोटी सी केव में और यहाँ पर लावा। यार मुझे वाटर बकेट बनाकर आना चाहिए था, और वैसे तो इधर आयरन है, कोई नहीं मैं बाद में इसे माइन कर लूंगा। और यहाँ पे टॉर्च भी लगा देते, अंधेरा था इसीलिए। और इधर देखते हैं क्या है, इधर तो ज्यादा कुछ नहीं है। और चलो ओके, मुझे कोल मिला है, मैं कोल को भी तोड़ देता हूँ। ओके, तो गाइज अभी मुझे आयरन मिल चुके हैं, वैसे भी हमें आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं इस आयरन का ना बकेट भी बना लेता हूँ। ओके, तो आगे भी रास्ता है, यहाँ पे टॉर्च लगा लेता हूँ, बस ये मेरी लास्ट टॉर्च है। और आगे जाके देखता हूँ, मुझे लावा दिख रहा है और यहाँ पर केव एंड हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर लावा है, तो मैं यहाँ पे लावा है इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे खोद के देख लेता हूँ, हमें डायमंड मिल सकता है, चांसेस हो सकते हैं। और मेरे को काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा और जाके खोल लेता हूँ, ट्राई करता हूँ थोड़ा और आगे जाने का। ओके, तो गाइस अभी मुझे लैपिस मिल चुका है, और जितना मुझे पता है कि लैपिस अगर मिलता है तो उसके आजू बाजू में डायमंड। भाई मैं बोलना था कि अगर हमें लावा और लैपिस मिला तो हमें डायमंड्स मिल सकते हैं गाइस, और हमें डायमंड्स मिल गए ये। उससे पहले मैं पूरे लावा को ब्लॉक कर देता हूँ, भाई मुझे मरना नहीं है इधर। गाइज मैं नहीं चाहता कि मैं अगर डायमंड्स तोड़ू तो लावा में गिर जाए, इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं ना वाटर बकेट बना ही लेता हूँ। तो अभी मैंने आयरन को भी पिघलाने रख दिया है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आयरन पिघल चुका है, मैं फटाफट से आयरन की बकेट बना लेता हूँ। पर यार मैं एक चीज भूल गया, हमें वाटर लाना पड़ेगा और वाटर तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा आगे जाकर चेक कर लेता हूँ।
ओके तो अभी मैं पानी मार देता हूँ और भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, मैं टॉर्च लगा देता हूँ और सबसे पहले मैं चलो तोड़ना चालू करते हैं। अभी हम एक डायमंड मिला, ठीक है एक और। हाँ गाइस मैं भूल गया, मैं ना चेक कर लेता हूँ कि नीचे लावा हुआ तो नहीं है, मैं नहीं तो भाई अगर लावा निकल गया ना तो मैं भी मर सकता हूँ और मेरे डायमंड भी जा सकते हैं, इसीलिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो चलो दूसरा वाला तोड़ते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं है, अच्छा है। और मुझे ऐसे दो तीन मिला, अरे भाई एक मिनट गाइस क्या हुआ इधर, भाई लावा में गिरा या मेरे पास आया? मुझे लगता है गाइस मेरे पास आया क्योंकि अभी तक मुझे लावा में गिरने की आवाज़ नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताना कि लावा में गिरा या नहीं गिरा। ओके इस वाले को तोड़ते हैं भाई, प्लीज़ सेफ रहना, प्लीज़ नीचे मत गिरना। ओके यहाँ पे ओ गाइस नीचे ही लाता, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ऑक्सीडन बना देता हूँ और चलो अभी इसको तोड़ते हैं इधर। अरे नहीं 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 ओ गाइस मेरे टाइमिंग पे भाई रख दिया उधर कॉबलस्टोन। ओके ये वाला लास्ट तोड़ते हैं और इधर ओके इधर, अच्छा इसके नीचे भी है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? अरे नहीं यार, अरे नहीं भाई। अरे गाइस एक डायमंड मेरा छूट गया यार, इसमें से मुझे दो तीन डायमंड एक्स्ट्रा मिल जाते, कोई नहीं हमारे पास अभी तो फिलहाल 13 डायमंड्स है, वो भी अच्छी बात है, सिर्फ हमारे एक डायमंड लावा में गिर गया। गाइज अभी हमारे पास इनफ डायमंड्स आ चुके हैं कि हम अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना सकते हैं, बट है ना भाई के पास ज़्यादा डायमंड्स नहीं है, इसीलिए अभी है ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना भाई की हेल्प कर लेता हूँ डायमंड्स ढूंढने में। और गाइज ऊपर की तरफ पे ना एक केव है और वहाँ पर लाइट आ रही है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे लावा हो सकता है, और भाई यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लावा है। अरे नहीं भाई वाटर मेरे को धकेल रहा है यार, मैं काम को तो यहाँ पे फटाफट से वाटर मार देता हूँ। ओके गाइज अभी मैं बच चुका हूँ और यहाँ पर लावा है, इसीलिए शायद से यहाँ पर हो सकता है डायमंड। और तू कौन सी केव में अभी? अभी मैं इस केव में जो स्ट्रिप माइनिंग के बीच में ना। अच्छा रुक जा मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ओके तो गाइस अभी भाई आ चुके हैं और मुझे लगता है ना ये वाली केव शायद से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, और एक तो मेरे टॉर्च भी खत्म हो चुकी है, बना लेता हूँ। ओके तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस हमें क्या क्या मिल सकता है, फिलहाल तो यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और आगे ओ गाइस यहाँ पर माइनशाफ्ट मिली हमें। अरे अपने को कितनी माइनशाफ्ट मिलती है, हम लोग जितनी बार भी माइनिंग पर जाते हैं हमेशा माइनशाफ्ट मिलती है। मुझे लगता है ना जितनी भी माइंस है ना सारे एक माइनशाफ्ट से कनेक्टेड है और ऊपर से माइनशाफ्ट बहुत बड़ी है। हाँ भाई आपने सही बोला, और गाइस आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हम कैसे भी करके माइनशाफ्ट में आ जाते हैं। तो चलो माइनशाफ्ट में चले जाते हैं। और गाइस आप ये चीज़ बिलीव नहीं करोगे कि हमारा जो सेकंड एपिसोड था उसमें हमने माइनशाफ्ट को लूटा और वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद एक और कोई तो एपिसोड था जिसमें हमने फिर से माइनशाफ्ट लूटा फिर भी ख़त्म नहीं हुई, हमने अभी भी इसको फुल्ली तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी माइनशाफ्ट है। ओके नीचे से लाइट आ रही है, यहाँ पर लावा है, और गाइस लावा से मुझे डर भी लगता है क्योंकि भाई लावा में ना गिर जाए इसलिए डर लगता है, और गाइस लावा देखकर खुशी आ जाती है कि यहाँ पर शायद से डायमंड हो सकते हैं। मैं तो लावा से भी नहीं डरता हूँ भाई, मुझे पता है आप लावा में गिर के मरे थे, अब मैंने वो पार्ट बताया नहीं, बता दूं क्या सबको? अरे नहीं 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 मजाक करो यार, पर वीडियो तो मैं एडिट करता हूँ ना तो वो पार्ट तो मैं काट दूंगा। ओके गाइस अभी हमें ना लैपिस मिल चुका है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था अगर लैपिस मिलता है तो वहाँ पर डायमंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो थोड़ा सा और माइन करके देख लेते हैं इधर। गाइस मुझे ऊपर की तरफ पे एक रास्ता मिल रहा है तो मैं जाकर देख लेता हूँ, और यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, टॉर्च लगा देता हूँ। गाइस हमें डायमंड मिल गए। ओ भाई भाई आओ, टॉर्च हटाया, कितने डायमंड है वैसे? पता नहीं आप देखो, अभी हम देखते हैं गाइस। साइड साइड से खोद दे पहले, साइड के खोद रहे हम लोग। दो तो ऊपर से दिख रहे हैं। हाँ दो तो ऊपर से दिख रहे हैं। नीचे की तरफ है? हाँ नीचे भी है, नीचे भी है, नीचे भी है। अच्छा हुआ तूने अपनी पिकैक्स दिया, तेरी पिकैक्स से तोड़ूंगा ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स मिल पाएगा। ओके चार, मुझे लगता है चार ही है सिर्फ, देख भाई वो हम दोनों की पिकैक्स है। अच्छा अपन दोनों की है, वैसे मुझे 10 डायमंड मिल गए यार, सही है भाई। गाइस 10 डायमंड मिल गए, काफी अच्छी बात है यार। और मेरे पास थोड़े डायमंड्स घर पे भी रखे हुए हैं, तो अगर 8 डायमंड्स हैं मेरे पास घर पे रखे हुए, तो मतलब 18 डायमंड्स हो गए और थोड़े से डायमंड्स चाहिए। अरे सुन मेरे डायमंड्स भी तू ही रख, मेरे पास है ना आर्मर और नहीं है तो मैं शायद मर सकता हूँ। गाइस हमें ना डायमंड की लालच में ना अलग ही कोई केव में आ चुके और मुझे पता भी नहीं जाने का रास्ता कहाँ पे है। अरे पहले आगे तो चल तू। अच्छा ये ब्लॉक मेरे सर पे लग रहा था, और गाइस यहाँ पर तो पूरा अंधेरा अंधेरा है, टॉर्च लगा लेते हैं। और इधर क्या है भाई? ओह यस अच्छी बात है गाइस, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा आयरन ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो ढूंढ लेता हूँ। ओके यहाँ पर भी आयरन है, इसको भी तोड़ लेता हूँ मैं। यहाँ पर डायमंड्स तो मिलने नहीं वाले भाई, कोऑर्डिनेट्स। ओह एक मिनट कोबलस्टोन। ओह गाइस
गाइस हमें स्पॉनर मिल गया। स्पॉनर टॉर्च लगाओ पहले यार। कौन सा स्पॉनर है? ये ज़ॉम्बी का स्पॉनर है गाइस। हम इस पे ज़ॉम्बी का स्पॉनर एक्सपी फार्म भी बना सकते हैं। अरे हाँ यार, इससे एक्सपी फॉर्म बना सकते हो। ऊपर से ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिला यार, सही है। हाँ गाइस, हमें स्केलेटन का स्पॉनर मिला था पार्ट टू में, वो मैंने तोड़ दिया था, पता नहीं यार क्यों तोड़ दिया मैंने। बट छोड़ो गाइस, हमें ज़ॉम्बी का तो स्पॉनर मिल गया ना, अभी हम फ्यूचर में एक्सपी फार्म बना सकते है। गाइस अभी मैं ना ऊपर खोद रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी स्पॉनर को खोना नहीं और मुझे पता भी नहीं है ना वैसे मैं कहाँ पे हूँ। इसीलिए हमें ना अगर नेक्स्ट टाइम अगर स्पॉनर ढूंढने आएंगे ना तो हम लैडर लगाते लगाते आ सकते हैं। ओके तो गाइस अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। और एक मिनट यार, ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। वो गाइस ये तो हमारे घर के जस्ट पीछे ही है। एक काम करता हूँ, मैं कोबलस्टोन के लिए निशानी के लिए लगा देता हूँ। और भाई क्या सही चीज हो गई है गाइस हमारे साथ। तो चलो ट्रिक करते हैं, 3 2 1। और भाई इतना फास्ट भी नहीं करना था यार, मेरी हेल्थ चले गई। गाइस मैं अभी अपने बाकी के डायमंड ले लेता हूँ, और अभी वक्त है डायमंड का आर्मर बनाने का। गाइस जो भाई के डायमंड्स है ना वो उनकी चेस्ट में रख देता हूँ। गाइस मैंने भाई को वीडियो के टाइम पे खाली 5 डायमंड्स दिए थे, बल्कि मुझे उनको 10 डायमंड्स देने चाहिए थे, पर को नहीं, मैं बाद में उनको 5 डायमंड्स दे दूंगा। मतलब बाकी के जो 5 डायमंड्स हैं मैं उनको बाद में दे दूंगा। गाइस अभी टाइम आ चुका है डायमंड का आर्मर पहनने का। यार देखो, डायमंड का आर्मर पहन के ना एकदम प्रो वाली फीलिंग आती है। मतलब अभी मैं कोई भी नहीं बोल सकता कि जी गेमिंग इज नूब। बोलने की क्या जरूरत है, तू तो पहले से नूब है यार। भाई आप पूरे वीडियो में कुछ नहीं बोलते और ऐसे टाइम पे क्यों बोलने लग जाते हो? गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कमेंट में जाके लिख दो जी गेमिंग इज प्रो। अरे सुन तो, मुझे तेरी पिकैक्स थी वो वाली फॉर्चून वाली माइनिंग के लिए। क्यों, थोड़े टाइम पहले तो आप मुझे बोल रहे थे मैं नूब हूँ। अरे यार मजाक में तो चलता है यार, चल ना, देना पिकैक्स की जरूरत पड़ेगी मेरे को। अच्छा ठीक है, एक डील रखते हैं। अगर आपको डायमंड्स मिले और आपने समझो तोड़ दिए, डायमंड्स जितने भी मिले उसमें से आधे मेरे को देने पड़ेंगे। आधे पिकैक्स तो हम लोग दोनों के है ना, तो डायमंड्स भी आधे आधे बांटने पड़ेंगे। पर अगर माइनिंग करते करते मुझे डायमंड्स नहीं मिले और तुझे डायमंड्स मिल गए तो तू उसमें से मुझे आधा देगा? नहीं, वो तो मेरे हुए। तो मैं आर्मर कैसे बनाऊंगा फिर? कोई नहीं, आप उसे ले लेना, बाद में मुझे डायमंड्स दे देना। ओके तो गाइस अभी मुझे केव मिली और भाई यहाँ पे लावा मुझे संभाल कर रखना पड़ेगा। अरे यार कोबलस्टोन नहीं, वाटर डालना था। ठीक है, अरे यार फिर से कोबलस्टोन डाल दिया, वाटर डाल भाई। हाँ अभी ठीक है। ओके यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर तो कुछ नहीं फिलहाल, इसको भी मैं ऑब्सीडियन बदल देता हूँ। और यहाँ पे तो लावा, यार ये तो इतनी छोटी सी केव है भाई, केव भी नहीं है। मुझे लगता नहीं यहाँ पे हमें डायमंड मिलेगा, फिर भी देखते हैं आगे खोद के। ओ गाइस डायमंड्स, मैं अभी बोलने आया था कि चलो चले जाते, डायमंड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अरे भाई जल्दी आओ इधर, यहाँ पर लगता 5 डायमंड्स है ना। ओके 1 2 3 और फिर ये 4 और ये 5 ना। अच्छा और नहीं नहीं और नहीं है, अभी मुझे 14 डायमंड्स मिले और पहले से मेरे पास 10 डायमंड है, तो एग्जैक्ट 24 डायमंड्स हो गए। अभी मैं पूरा डायमंड का आर्मर बना सकता हूँ। नाइस, तूने अपना डायमंड का आर्मर बना लिया? हाँ मैंने तो कब से बना लिया। तो गाइस अभी हमारा मिशन हो चुका है, मिशन डायमंड आर्मर हो चुका है कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।